श्री राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को इस शुभ दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेशवासियों, कल का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन होने वाला है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह शुभ दिन आया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और इस अवसर पर पूरा देश रोमांच से भरा हुआ है, भक्ति एवं भाव में डूबा हुआ है। आइए हम सब मिलकर कल के इस दिन को अमर बनाएं, दीपावली मनाएं, अपने अपने घर के आगे राम ज्योति जलाएं। श्री राम। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भाइयों, बहनों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, कल का दिन हमारे सबके लिए अयोध्या में बहुत अलग प्रकार का दिन और खास करके 22 जनवरी अयोध्या में प्रभु राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं। इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, परमात्मा की दया से पूरा प्रदेश भगवान राम और देश तो क्या प्रदेश और पूरी दुनिया इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन इस संघर्ष के बाद भी जब दिन आया है तो पूरा देश रोमांच से भरा हुआ है, धार्मिक भक्ति और भाव में डूबा हुआ है। आइए हम सब भी मिलकर के कल के दिन को अमर बनाए, कल दिवाली मनाए, अपने अपने घर के आगे राम ज्योति जलाए, रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उत्सव का वातावरण बनाए, त्यौहार मनाए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरे प्रदेश में एक उल्लास का वातावरण इसमें बना हुआ है। मैं स्वयं भी ओरछा रह करके इस आयोजन का साक्षी बनूंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में पूरे प्रदेशवासी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ होने वाले इस कार्यक्रम में साक्षी बने, हम सब अपने अपने स्थान से होकर के इस पूरे कार्यक्रम को निहार सकते हैं और जब हमारा समय हमको बताया जाएगा तब हम सब जाके अयोध्या में प्रत्यक्ष दर्शन भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अवसर की आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।